आप सभी को सादर नमस्कार। मैं श्रीमती निशा चंद्रा व्याख्याता हूँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करतला, विकासखंड करतला, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। साथियों, कुछ दिनों पहले हम सभी ने दीक्षा ऐप पर निष्ठा 2.0 का ऑनलाइन कोर्स किया है। इस कोर्स में जो भी कंटेंट्स थे वे बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल थे, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्तर पर हम किशोर व बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें खासकर जो एक लेसन था वो किशोर व बालकों के मनोभावों को समझने का, वो मुझे बहुत प्रभावित किया, जिससे हमें बच्चों के मन को समझने में और उसके अनुसार उन्हें अध्यापन कार्य कराने में काफ़ी सहायता हुई। साथ ही साथ इसके जो कंटेंट थे वे सभी हमारे लिए उपयोगी थे, ताकि हम अध्यापन में इसका उपयोग कर सकें। इस ट्रेनिंग को लेने के बाद में जब हम जमीनी स्तर पर अर्थात विद्यार्थियों के हित के लिए हम इसका उपयोग करने का प्रयास किए, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही काम कर रहा हमारे लिए, और बच्चों को समझाने में हमको इससे काफ़ी मदद मिली है। निष्ठा 2.0, जैसे कि कहा जाता है साथियों कि नॉलेज ऑन योर फिंगर टिप्स, ये चीज़ें मैंने सुनी थी पहले, लेकिन इसका उपयोग हम शिक्षकों के लिए इस निष्ठा के द्वारा बहुत ही आसान हुआ और हमें इसका लाभ मिला। जो डिजिटल दुनिया है, तकनीक की दुनिया है, उसका हमने फ़ायदा उठाया, क्योंकि इसके पहले जो भी ट्रेनिंग्स होती थी ऑफलाइन, उसमें हम कहीं ना कहीं अपने विद्यार्थियों को छोड़कर उनसे दूर जाया करते थे। तो ये जो ट्रेनिंग है ये छात्र हित में है, क्योंकि हम विद्यार्थियों के साथ पूरा समय उन्हें दे पाए। उसके अलावा खाली पीरियड में या घर पर जब भी हमें समय मिला हमने ये ट्रेनिंग अटेंड की। इसमें अलग से धन और समय व्यय होने का करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। इसीलिए ये जो निष्ठा का 2.0 ऑनलाइन कोर्स था ये बहुत ही लाभप्रद रहा, फ़ायदेमंद रहा। साथ ही साथ मैं हमारी SCRT रायपुर की टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और साथ ही यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सत्र भी, ये जो नया सत्र है, इस पर भी हमें कुछ न कुछ ऐसा डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराएं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो, और साथ ही साथ हम शिक्षक भी इससे सीख सकें। और एक और बात आपसे शेयर करने से मुझे अच्छा लग रहा है ये बात जानकर, क्योंकि इस जो पूरा कंटेंट था इसको उपलब्ध कराने में हमारे SCRT से जो प्रोफेसर्स इसके लिए जो कार्य कर रहे थे, जो संभाल रहे थे, सिखा रहे थे, उनका जो बोलने का तरीका था, हाव भाव था और समझाने का तरीका था, मैं तो उसको भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि उनका बोलने का तरीका मुझे काफ़ी प्रभावित लगा, और ये बच्चों के मन पर इफ़ेक्ट करने लायक भी उनकी भाषा शैली रहती थी, इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा रहा। सो लॉट ऑफ थैंक्स टू टीम ऑफ SCRT रायपुर छत्तीसगढ़। थैंक यू।